उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। भाभी, बहू तो तुमने हीरा चुनी है। हीरा मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है, लाखों में एक है, लाखों में। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने, लेकिन अच्छे जोड़े किस्मत से मिला करते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। अब तुम जानती हो कि पूरे शहर की लड़कियाँ मेरे बेटे के पीछे थी, पर वो इतना फरमा बरदार है कि उसने मेरा कहना माना और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अल्लाह मियाँ उसको खुश रखे। अच्छा, ऐसा ना करें कि रसम कर लें, पहले ही बहुत देर हो गई। अरे नहीं नहीं, पहले खाना खाएंगे, मुझे तो शदीद भूख लग रही है। और पता नहीं भाई साहब ने कोई डिश भी अच्छी बनवाई है कि नहीं। अरे खाना तो लगवा दो। क्या बात है बेटा, इतनी गुमसुम क्यों बैठी? देखकर दिल घबरा रहा है तो अपने कमरे में जाओ, टीवी भी देखो, कोई किताब पढ़ो। दिल नहीं चाह रहा मेरा। ये तुम्हारे दिल को अचानक क्या हो गया? अगर आप मुझे खिरद की मंगनी में जाने देती तो आपका क्या चला जाता? अरे तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हें इतनी होड़क क्यों उठ रही है उनके यहाँ जाने की। फुप्पोजात बहन है वो मेरी, और अंकल कितने प्यार से कार्ड देने आए थे। खबरदार तो उस कार्ड के बारे में तुमने मुँह से भाप भी निकाली। तुम्हारे बाबा जान को अगर पता चल गया ना तो एक मुसीबत खड़ी कर देंगे। तो अच्छा है ना कि बाबा को भी पता चले, कम से कम इसी बहाने में मंगनी में तो जा सकूंगी। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं उन्हें जाके ना खुद बता देती हूँ। खबरदार तो तुमने उनके सामने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। उनको तो वैसे ही भांजी की मोहब्बत का बुखार चढ़ा रहता है। रही सही कसर, तुम पूरी कर दोगी। अम्मी जान, आखिर आपको फूफू की फैमिली इतनी बुरी क्यों लगती है? वो बेचारे तो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, और आप? अच्छा बस, ज्यादा बातें ना करो, मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत कर। तुम्हारी बातों से तो मेरे कमबख्त सर में दर्द हो गया। जाओ चाय बना के लाओ मेरी। बेचारी खैरत मेरा कितना इंतजार कर रही होगी, और आप? आपने मुझे जाने ही नहीं दिया। अरे सब समझती हूँ मैं कि तुम किन हवाओं में हो। माँ हूँ तुम्हारी, सब जानती हूँ, सब नजर आ जाता है। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। देखो कैसी निकल गई, बात ही नहीं करना चाहती, अवॉइड करती। जब तुम्हें नहीं आना था तो पहले ही बता देती, इस तरह आस दिलाने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करूं उस्मान, मैं तो आना चाह रही थी, लेकिन बाबा को एक जरूरी काम से जाना पड़ गया, और अम्मी जान की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो भाभी बेगम के साथ आ जाती। असल बात यह, तुम हमारे घर आना ही नहीं चाहती। हम गरीबों के यहाँ क्यों आना चाहोगी? तुम गलत समझ रहे हो उस्मान, तुम जानते हो ना मैं कितनी एक्साइटेड थी खिरद की मंगनी में आने के लिए। सब समझता हूँ, तुम्हें मुमानी जान ने आने से मना किया, वो हमें शुरू से ही पसंद नहीं करती है। नहीं उस्मान, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसी कोई बात। ठीक कह रहा हूँ, वो हमें नाली की कीड़े से ज्यादा कुछ समझती नहीं है, वरना हमारे घर की पहली खुशी में वो जरूर शरीक होती। आई एम सॉरी उस्मान, तुम मेरे नाने की वजह से इतने बदगुमान हो जाओगे, मुझे पता नहीं था। तो मेरी बदगुमानी दूर करने के लिए आ क्यों नहीं जाती? उस्मान देखो, इस वक्त ये मुमकिन नहीं है, और तुम मेरी मोहब्बत को आजमाने के लिए कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अलीना, तुम किचन में क्या कर रही हो? मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ठीक है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मैंने तुम्हें किचन में आने से मना किया था। भाभी मैं अम्मी जान के लिए चाय बना रही थी। तो क्या मैं घर पे नहीं थी जो तुम अपने इतने खूबसूरत हाथ किचन में खराब करने आ गई? भाभी मैं सिर्फ चाय तो बना रही थी, और अब इतना काम करती हैं थक जाती होंगी। अरे बेवकूफ, मुझे तो काम करने की आदत हो गई, लेकिन मेरे होते हुए तुम काम करो ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो।
आप कितनी अच्छी हैं भाभी, कितना ख्याल रखती हैं मेरा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम मुझे कितनी प्यारी हो। इंशाल्लाह और तुम्हें मैंने कभी भी फर्क नहीं किया। आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हैं। अच्छा बस अब जाओ, जाके बाहर बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ और हाँ साथ में कबाब भी फ्राई करके लाऊंगी। वाओ ये तो कमाल हो जाएगा, वैसे भी मेरा कबाब खाने का बहुत दिल कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं बना के लेके आती हूँ, तुम जाके बाहर बैठो, गर्मी में खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, चलो बाहर जाके बैठो। ओके थैंक यू। ये क्या भाई साहब, अपने दामाद के लिए सिर्फ इतनी सी रकम? जी मैं समझा नहीं। मैं तो समझी थी इतने काबिल दामाद को आप गाड़ी नहीं तो बाइक तो जरूर देंगे, मगर आपने तो हद ही कर दी कि अपने दामाद को इन चंद रुपए दे दिए। गाड़ी? जी आप जानती हैं मेरे हालात। अगर आपके हालात इतने खराब थे तो ऊंचे घर में शादी करने के ख्वाब नहीं देखने थे। क्या कह रही है बहन जी? कुछ गलत तो नहीं कह रही? मेरे बेटे को रिश्तों की कमी तो नहीं है जो ये खुदा तरसी में रिश्ते करती रहूं? बहन जी आप मेरी बात तो सुने। अब मुझे कुछ सुनना सुनाना नहीं है, चलो अंगूठी उतारो और चलो। बहन जी आप गुस्सा किस बात का कर रही है? मैं शादी पे सारी कमी पूरी कर दूंगा बहन जी। देखें अगर अभी करनी है तो ठीक है, शादी तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। अभी अभी कैसे बहन जी? मेरे बेटे को ना अच्छे रिश्तों की कमी नहीं है, बड़े से बड़े घर को मना करके आई हूँ। इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है बहन जी, कुछ वक्त तो दे दें। अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना हम। अगर आपको अपने बेटे की कीमत ही लगानी थी तो हमें पहले भी बता सकती थी, इस तरह यूं रुसवा करने की क्या जरूरत थी? उस्मान मैं बात कर रहा हूँ। नहीं बाबा, मैं इन लोगों की फितरत अच्छी तरह जानता हूँ। जो लोग शादी से पहले इतना गिर सकते हैं, शादी के बाद मेरी बहन का जीना हराम कर देंगे। देखो लड़के तुम हद से बड़े हो, तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारी बहन मेरे घर की बहू बनने वाली है। हम ये रिश्ता खत्म कर। अरे पागल न बनो, इस तरह रिश्ते खत्म नहीं होते। माफ कीजिएगा बहन जी, बच्चा है, इसकी बात का बुरा न मनाइए। अब जा सकते। मुझे भी कोई शौक नहीं है इतने भूखे नंगे घर में अपने बेटे की शादी करने का। ए लड़की अंगूठी उतारो। चलो खड़े हो। बहन जी ये बच्चा है, इसकी बात का बुरा न मनाए, मैं आपकी हर डिमांड पूरी कर दूंगा। आपकी इस घर में जो हैसियत है ना वो मैंने देख ली है, अच्छा हुआ आपके बेटे ने मेरे वक्त से आंख खोल दी। चलो बेटा। शक्कर भंडारे मरा पिया उसे मिलना, शक्कर भंडारे मरा पिया उसे मिलना, गिर गिर हसी दासी जानन भी दे दिल में, लूलू ठंडा वे अजी लूलू ठंडा वे, मरा पिया उसे मिलना आयो शक्कर भंडारे, मरा पिया उसे मिलना आयो शक्कर भंडारे, शक्कर भंडारे। बेटे इतनी देर हो गई, तुम कहाँ रह गए? बताया तो था आपको फ्रेंड्स के पास जाऊँ कंबाइंड स्टडीज के लिए, भूल गई आप? बेटे पढ़ाई तो घर पे भी हो सकती है ना, तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो वो बहुत खफा होंगे, तुम्हें तो मालूम है उनकी आदत। उनका मूड ठीक कब होता है? मैं साहिर,
अच्छा अम्मी प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट करें, कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है जल्दी बताएं, मैं स्टडी कर रहा हूँ। अरे बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बाबा के आने से पहले घर आ जाओ, तुम्हें तो मालूम है वो तुम्हारे देर से आने से कितने परेशान होते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम कहीं बाहर रहो इतनी देर तक। फॉर गॉड सेक अम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कम ऑन, और आप प्लीज ये बात बाबा को भी समझा दें, मेरी अपनी एक लाइफ है जिसकी सी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन बेटा अच्छा 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 मैं रात को यही फ्रेंड्स के पास रहूंगा स्टडी करने के लिए, आप बाबा को बता दीजिएगा। ओके अब प्लीज कॉल करके मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कीजिएगा, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फोन काट सुनता नहीं है ये बच्चा। बाबा बाबा कुछ तो बोले वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। काश वो सब कुछ बोलने से पहले तुमने अपनी बहन का चेहरा देख लिया होता। बाबा जान मैंने ये सब उसे आने वाले दुखों से बचाने के लिए ही तो किया है। ये बात लोगों को कैसे समझाओगे? अपनी बहन पे उठने वाली उंगलियां कैसे रोकोगे? बाबा जान मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, वो कभी अपने बंदों के साथ बुरा नहीं कर सकता, उसने अभी भी खिरत के लिए बहुत अच्छा इनाम रखा होगा, आप प्लीज दिल बुरा मत करें। शायद बाबा खिरत मेरी अकलौती बहन है, मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगा। बाबा आप अभी तक सोए नहीं, मैं आपके लिए चाय लाई। अरे जीती रहो, बड़ी तलब हो रही थी इस वक्त। बाबा तलब हो रही थी तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बस बेटा मैंने सोचा तुम सो गई हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने बाबा जान का कोई भी काम अधूरा छोड़ के सो जाऊं? खैरत आज जो कुछ भी हो उसके लिए मैं तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने जो भी फैसला किया, मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने मेरी भलाई के लिए किया। खुश रहो बेटा, जीती रहो। वाह यार मजा आ गया यार, आज इतने दिन बाद इतना मजे का खाना खाया और वो भी मुफ्त का। तो मैं जिंदा हूँ ना, मेरे पैसे पेश करो, फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मस्त रहो सब। वैसे यार तेरे अब्बा क्या बड़ा दिल है, तेरे को इतना खर्चा देते हैं, काश हमारे अब्बा भी दे दें। वो देते नहीं है, ये निकलवा लेता है। अच्छा वो कैसे, कोई गुर हमें भी बता भाई। वैसे तुम लोगों की किसी भी शक्ल देख के लगता नहीं कि तुम लोगों में पैसे निकलवाने की गट्स है, सही है इसलिए छोड़ दो, मुफ्त खाओ। मैं तो जब भी अपने अब्बा से कहता हूँ पैसों को, वो हमेशा चप्पल उतार लेते हैं। अबे शुक्र करो तेरे को घर से निकाल के फेंक नहीं देते। अरे तू जिगर है मेरा, तुझे जिस भी चीज की जरूरत है ना भाई को बोल, ओके? अरे साहिर तू खुद क्यों नहीं खा रहा यार, क्या आज हमें सिर्फ खिलाएगा? नहीं यार तुम लोग खाओ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। दोपहर को भाभी बेगम ने बिरयानी बनाई थी, बहुत ही मजे की, अभी तक पेट भरा हुआ। यार हमें भी कभी खिला दे भाभी बेगम की हाथ की बिरयानी, ये सुन के मुंह में पानी आ गया। कल ही खिला दूंगा, भाभी को बोलूंगा तुम लोगों के लिए बना दे, तुम लोगों को पता है भाभी बेगम कभी मेरा कहना नहीं टाल सकती। वैसे यार तेरी भाभी के हाथ में बड़ा जायका यार, बंदा अपनी उंगलियां तक चाट लेता है। सही बात है, तेरी भाभी ना हर फन मौला है, सब कुछ कर सकती है, शी इज टू गुड। ऐसे यार खाओ खाओ खाओ। क्या बात है तबस्सुम बेगम, अब तक जाग रही हैं आप? आ गए आप, खाना लगवाओ आपके लिए। अरे आप जिसके लिए जाग रही हैं ना उसी को खिला दीजिएगा, मुझे भूख नहीं लग रही।
मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी, कुछ देर नहीं हो गई आपको आज? नहीं वाह, यानी शौहर का घर में थोड़ा देर में आना आपको नजर आ गया, और आपका जवान जहां बेटा जो हरा भाई फिरता रहता है दोस्तों के साथ शाम शाम भर रात रात भर, वो आपको नजर नहीं आता? किसी दिन कोई गुल खिला गया ना तो मैं काम नहीं आऊंगा, आप याद रखिएगा। अरे आप भी बस पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे दोस्तों के साथ है, पढ़ाई कर रहा है। ओहो पढ़ाई, अरे किस दोस्त के घर पढ़ाई कर रहा है, जरा मुझे भी तो मालूम हो। ये तो मैंने पूछा ही नहीं उससे, खैर आएगा तो मैं बता दूंगी आपको। तो अभी फोन करके मालूम कर लीजिए, मुझे कुछ जल्दी नहीं है। अच्छा ठीक है, खाना लगवाऊं ना? खाना मैं खा के आया हूँ, आप जरा अपने लाडले को फोन कीजिए, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे इस वक्त आप क्या बात करेंगे, सुबह बात कर लीजिएगा। भाई सुबह वो मौसूफ सो रहे हैं, और शाम को जब मैं घर लौटूंगा तो वो घर से गायब होंगे, बल्कि शाम नहीं पूरी रात गायब रहेंगे। अरे आज ही गया है वो, और वो भी मुझे बता के गया था। तो आप ही उसे बुला लीजिए, बहुत हो गई पढ़ाई, वैसे भी शाम का गया हुआ है, रात भर रहेगा थक जाएगा। अरे सिर्फ आज ही तो गया है और मुझे बता के गया था। आप जितने भी पर्दे डाल लीजिए उसकी हरकतों पर, मगर मुझे पता है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। ओहो क्या हो गया है आपको शफीक, कैसी बातें करने लगे आप? अरे आपको तो बस इल्हाम होते रहते, जवान बच्चा है, बड़ा हो गया है वो, अब अपना ख्याल खुद रख सकता है। देखिए जो भी है, मुझे आज उससे बात करनी है, आप उसको कॉल करके बुलाइए, वरना मजबूरन मुझे ही जाना पड़ेगा। खुद ही जाना। खाला जान आप खैरियत तो है, मुझे बुला लेती हैं आप। अच्छा ये बताओ तुम्हारी साहिर से बात हुई? साहिर से? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? साहिर सही तो है ना? अरे हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे खाले जान निहायत गुस्से में है। मैंने साहिर से कहा भी था कि बेटा वापस आ जाओ, मेरी सुनता कब है? तो खालू जान को किसने बताया कि साहिर घर पे नहीं है? अरे कौन बताएगा उन्हें, वो तो हर वक्त खुद ही टो में लगे हैं। अच्छा खालू जान अब कहाँ है? नीचे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाया। ठीक है खाला जान, फिर आप जाके उन्हें खाना खिलाएं, तब तक मैं कुछ करती हूँ। हाँ बेटा तुम उसको फोन करो, इस घर में सिवाय तुम्हारे वो किसी की बात सुनता भी तो नहीं है, उसे कहना भाई फौरन आ जाए, मामला बेइंतहा संगीन है। क्यों क्या हुआ, साहिर ने आपसे कुछ कहा है? भाई साफ इनकार कर दिया, भाई अपने बाप का बेटा है ना, निहायत जिद्दी, इन दोनों ने मिलकर तो मेरी जिंदगी अजाब कर रखी। अच्छा ठीक है आप फिक्र ना करें, मैं उसे बुलाती हूँ, आप जाके आराम कीजिए। और तुम्हारे खालू जान का क्या करूं? उनसे भी मैं ही बात कर लूंगी, आप इस तरह परेशान ना हो, आपका बीपी शूट कर जाएगा, आप आराम करें जाके। अच्छा तुम फोन पे फौरन बात कर। जी हेलो साहिर, कहाँ तुम इस वक्त? कितनी दफा मैंने तुमसे कहा जब भी घर से जाया करो मुझे बता के जाया करो, अब देखो घर में सब कितने परेशान है तुम्हारे लिए। क्या मतलब नहीं आ रहा, तुम अभी आ रहे हो और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूं। ओके मैं नाराज नहीं हूँ, बस मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। छुपा नहीं रहा था, मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। और वो मुनासिब वक्त कब आएगा आपका, जरा बताना पसंद करेंगे? तुम्हारी मंगनी वाले दिन मैं बताना चाह रहा था, लेकिन वो आ ही नहीं सकी, फिर सोचा कि जब जॉब लग जाएगी फिर बता दूंगा। शर्म आनी चाहिए तुमको इस तरह झूठ बोलते हुए। जी तो मेरा ये चाह रहा है तुमको ऐसा सबक सिखाऊं कि तुम 10 दफा सोचो ऐसी हरकत करने से पहले। बाबा मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, आपको जो भी मेरे बारे में कुछ भी कहता है आप उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन मुझ पर यकीन नहीं करते। यकीन इसलिए कर लेता हूँ कि वो तुम्हारे बारे में गलत नहीं कहते,
तुम्हारी जैसी औलाद से तो बेहतर है कि इंसान बे औलाद हो। खालूजान, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों इस तरह क्यों झगड़ा कर रहे हैं? पूछो इससे, क्या हरकत की है इसने, जलील करके रख दिया मुझको। उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूं, टूटे अल्फाज की तहरीर हूं, रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, मैं हार गई। दर्दादी मारीनू मिलाना कोई, दर्दादी